हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है हमारा सैमसंग फ्रिज के बारे में बनाया है यार। इसका डिटेल रिव्यू करूँगा, ये कैसा है और ये मुझे कितने में पड़ा, आपको पूरा डिटेल इसमें इसके बारे में बताऊँगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो गाइज भूलना मत लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हाँ तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सैमसंग का फ्रिज जो कि डबल डोर वेरिएंट वाला फ्रिज है यार। और इस फ्रिज में आपको 5-in-1 कन्वर्जन मोड्स है। यहाँ पर जो बटन्स वगैरह दिया गया है जो हमारे सैमसंग के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आए थे और बहुत अच्छे से समझाए कि इसमें 5 मोड्स वगैरह है, आप कैसे कैसे इसको स्विच को बटन दबाना है, कैसा चेंजेस करना है वो बताए। मैं उसका वीडियो आप लोगों को डाल दूंगा। और साथ ही साथ ये जो फ्रिज है इसमें ट्विन कूलिंग प्लस बोलकर इसमें टेक्नोलॉजी दिया गया है, जिसकी वजह से आपका जो भी मटेरियल इसके अंदर रखते हैं ना वो ज़्यादा देर इसको ठंडा करता है। ठीक है, इस फ्रिज को टोटली 3 स्टार्स मिले हैं। वो क्यों मिले हैं गाइस, क्योंकि ये जो फ्रिज है हमारा बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, जो कि 209 यूनिट्स पर ईयर है, वो बहुत कम है। और ये जो फ्रिज है हमारा 2022 का मॉडल है, बट ये 2023 में भी बेस्ट है क्योंकि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी वो सब कुछ अच्छी है। और साथ में इसका जो मॉडल नंबर है RT34B4513QB। और ये जो हमारा फ्रिज है इसका टोटल वॉल्यूम है 324 लीटर्स का। और साथ में इस फ्रिज में आपको 10 इयर्स की वारंटी मिल रही है, वो सिर्फ आपके कंप्रेसर पे। ये जो ओवरऑल फ्रिज है उसके ऊपर आपको 1 ईयर की वारंटी मिल रही है। अगर आपको एक्सटेंड करना है तो इसका कुछ सैमसंग का ऐप है, उसके थ्रू आप एक्स्ट्रा पेमेंट करके इसकी जो वारंटी है उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है गाइस। और साथ में इस फ्रिज में बहुत अच्छा फीचर ये है गाइस कि ये आपके घर में अगर इन्वर्टर है तो आपके इन्वर्टर पे भी अगर लाइट गए जाने पर ये फ्रिज ऑन रहेगा, क्योंकि ये जो फ्रिज है बहुत कम करंट को कंज्यूम करता, तो ये इन्वर्टर के पर भी ये चलेगा। और एक एक इसका जो बेस्ट फीचर है, स्टेबलाइजर फ्री बोलकर है। ये जो फ्रिज है हमारा इसमें आपको कोई स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके एरिया में अगर कुछ भी करंट फ्लक्चुएट हो रहा है तब भी ये फ्रिज आपको आराम से ये हैंडल करेगा। ठीक है गाइस। फ्रेंड्स, फ्रंट में आपको यहाँ पर एक स्क्रीन दिखेगा, यहाँ पर ट्विन कूलिंग प्लस बोलकर यहाँ लिखा है यार। देखो ये है हमारा फ्रीज़र और नीचे फ्रिज है, तो यहाँ पर इसमें आपको दिखेगा यहाँ पर पावर फ्रीज बोलकर मोड है, और फ्रिज को भी आप पावर कूल मोड पर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वेकेशन मोड पर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब टोटली 5-in-1 कन्वर्जन मोड्स दिया गया है यहाँ पर। ठीक है गाइस, अब ये काम करता हूँ, इसको अंदर कैसा है वो बताता हूँ। हमारा जो फ्रीज़र है, देखो गाइस ये रहा फ्रीज़र, और यहाँ पर फ्रीज़र में आपको काफ़ी जगह है यार। और यहाँ पर आप देखो आराम से आप देख पाएंगे कि यहाँ पर वेंट आने के लिए यहाँ पर दिया गया है, जिससे ये जो फ्रीज़र है बहुत अच्छा ठंडा कर रहा है। और साथ में यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्विन कूलिंग प्लस बोलकर यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर नीचे आपको ये आइस बनाने के लिए ये दिया गया है जो कि मूवेबल है। अगर आपको जमाना है तो आइस क्यूब बना सकते हैं, अगर नहीं तो इसको कहीं पर बाहर भी रख सकते हैं। और अपना जो भी नॉनवेज मटेरियल है, फ़िश वगैरह या मटन वगैरह कुछ भी रखना है तो यहाँ पर चिकन रख सकते हैं। ठीक है गाइस, ये रहा हमारा फ्रीज़र। बट यहाँ पर एक चीज़ मुझे कमी लगी कि यहाँ पर अगर एक LED लाइट देते ना तो वो बहुत अच्छा लगता था, बट ये जो मिडिल वेरिएंट में आपको यहाँ पर LED लाइट नहीं मिली गाइस। फ्रेंड्स, इस फ्रिज में आपको कुछ हैंडल वगैरह नहीं है यार, इसको ऐसे ही डोर में इसको आपको दिया गया है अपने हाथ रख कर इसको ओपन और क्लोज़ करने के लिए, जो बहुत अच्छा आसान है इसको एक्सेस करने के लिए। और यहाँ पर भी दिया गया है तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। बट एक चीज़ है, इस फ्रिज में आपको कुछ लॉक सिस्टम नहीं दिया गया है, जिससे कि मतलब छोटे बच्चे जो भी है इसको आराम से इसको खोल सकते। बट इस फ्रिज में एक ऐसा टेक्नोलॉजी दिया गया है, अगर सपोज़ ये डोर है ये एक्सीडेंटली अगर 2 मिनट अगर ओपन रह गया, कोई बच्चे खोल दिए, तो इसमें अलार्म बजेगा। मैं बता दूंगा आपको, इसके अलार्म का जो साउंड है वो भी ये ऑन हो जाएगा अगर ये आपका डोर जो ओपन रहेगा। ठीक है गाइस, तो ये रहा हमारा
फ्रिज जो फ्रिज है इसकी जो कैपेसिटी है देखो गाइस बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपका जो दूध का जो भी है भगोना यहाँ पर रखे बाद भी आपको स्पेस मिलेगी यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो इसमें टोटली आपको रोस्ट मिले 1, 2, 3 प्लस इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं 4, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी है बहुत अच्छी है और आपको जो स्पेस है इसको निकाल कर आगे पीछे या ऊपर नीचे भी कर सकते ये। और यहाँ पर आपको ट्विन कूलिंग प्लस बोलकर यहाँ पर भी दिया गया है और साथ ही साथ में यहाँ पर देखो वेंट भी दिया गया है अच्छी सी इसकी ठंडी हवा आने की वजह से, ताकि ये पूरा आपका जो फ्रिज है पूरे मटेरियल को ठंडा रखे। और साथ में जो मेरा फेवरेट मेरे मम्मी का फेवरेट ये बिग बॉक्स दिया गया है गाइस, देखो ये जो बॉक्स है बहुत बड़ा है, अच्छा खासा इसमें मटेरियल आता है। और ये बड़े बॉक्स का मेन रीज़न क्या है देखो, यहाँ पर से ना जो बॉटल्स वगैरह रखने के दूसरे फ्रिज में दिया गया है, बट इसमें यहाँ से हटा कर ये बॉक्स बड़ा बॉक्स दे दिए, ताकि ये हमारे लिए बहुत काम के आने वाली चीज़ है, जैसे कि आपके जो भी फ्रूट्स वगैरह है या तो वेजिटेबल्स है बहुत सारे यहाँ पर आप लोग स्टोर कर सकते हैं। और साथ में इसको एक्सेस करने के लिए बहुत आसान दिया गया है, इसमें व्हील्स वगैरह है, बस आपको रखना है और स्लाइड करने पर वो अच्छे से आ जाएगा। और साथ में यहाँ पर जो बॉटल का जो स्पेस दिया गया है डोर में, बड़े बड़े बॉटल रखने के लिए आपको अच्छा से जगह दी गई है, और साथ में आपको एक्ट्रेस भी दिया गया है और ऊपर भी एक आपको रो मिलेगा। तो ये जो फ्रिज है गाइस बहुत अच्छा है और ज़बरदस्त, अगर आपके पास बड़े जैसा कि बिरयानी वगैरह कुछ बड़े भगोने में अगर आपको स्टोर करना है, तो ये जो है ना ये आपका ट्रे, इसको निकाल कर आप ऊपर भी सेट कर सकते हैं और बड़ा मटेरियल जो भी है नीचे भी ऐसा आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको फ्रिज में डिओडराइजिंग फिल्टर बोल के दिया गया है, जो भी इसमें बैड स्मेल रहती है यार यहाँ से ये आसानी से बाहर निकल जाएगी और आपका जो फ्रिज का जो भी मटेरियल है उसका स्मेल वगैरह सब कुछ अच्छी रहेगी। फ्रेंड्स आपको एक चीज़ बोलना भूल गया गाइस, देखो इस फ्रिज में यहाँ पर टॉप में आपको एक LED लाइट दिया गया है, फ्रिज में आपको LED लाइट दिया गया है, बट जो फ्रीज़र है उसमें आपको LED लाइट नहीं दिया गया है। बट ये जो लाइट का जो है ना पोजीशन बहुत अच्छा है और इससे आपको आरामी से आपका जो भी मटेरियल है रात में भी इसको अगर आप ओपन करेंगे तो सब कुछ आराम से दिख जाएगा, और ये जो है ना इलेक्ट्रिसिटी इसकी बहुत कम लेगा, तो बहुत अच्छा वाला लाइट दिया गया है इस फ्रिज में। और मैं आपको पर्सनली मेरे पर्सनल एडवाइस है कि गाइस आप जब भी फ्रिज लेने जा रहे तो कम से कम ये साइज़ का ये वॉल्यूम का लो, क्योंकि अगर जितना छोटा फ्रिज ले लोगे थोड़े दिन में आपको प्रॉब्लम होगा कि मुझे सामान रखने जगह नहीं हो रहा है वो हो रहा है बल्कि प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो मिनिमम अगर आप फ्रिज लेने जा रहे हैं तो ये साइज का और इतना वॉल्यूम का फ्रिज ही परचेस करो, ठीक है। 2 और 19 ये स्टैंडर्ड है। अच्छा 2 फ्रिज की रहेंगी आपको, -19 फ्रीजर की ऊपर की। अच्छा, ये की स्टैंडर्ड सेटिंग। अगर आपके पास फ्रिज में हेवी लोड हो गया, अच्छा, अगर आपको मैक्सिमम करना है 1 डिग्री लगाने से मैक्सिमम कूलिंग आती है फ्रीजर के लिए, फ्रिज के। अच्छा सॉरी फ्रिज के लिए। अच्छा अगर आपको मिनिमम चाहिए 7 लगाने से मिनिमम आएंगी, 1 लगाने से मैक्सिमम आएंगी, 2 लगाने से स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड ठीक फ्रिज में। अगर फ्रीजर में है तो -19 स्टैंडर्ड है, 23 मैक्सिमम है। ओके डिपेंड ऑन द लोड, अगर लोड ज़्यादा है आपके पास तो मैक्सिमम ये लोड ज़्यादा है बोले तो मतलब बकरीद के टाइम पे। अच्छा कुछ आइटम्स ज़्यादा रखी है उसमें। अच्छा ठीक है बस। अगर मिनिमम है 50 19-19। अगर फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट करना है तो आप इसको लॉन्ग प्रेस कर दीजिए। अच्छा फ्रिज पूरा फ्रिज हो गया था पूरा नीचे से ऊपर तक। ये भी क्या है 3 आवर्स के बाद में इन्हें भी फ्रिज हो जाता। अच्छा सेम फ्रिज के साथ 2 डिग्री पे आ जाता। ओके 3 आवर्स के बाद। ओके और एक बार आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ऑफ मोड पे आएगा। ऑफ मोड पे क्या है ऊपर वाले में मिनिमम कूलिंग मेंटेन करेगा हल्का थोड़ा। अच्छा हाँ सिर्फ बन के जैसा समझिए बंद ऑलमोस्ट बंद। हाँ फिर आपको बैग जाना है तो इसी को होल्ड कर लेना रेगुलर। अगर आपको रेगुलर सेटिंग चाहिए तो इसको लेना है मैक्सिमम मिनिमम रेगुलर। हाँ हाँ अगर कन्वर्ट करना है तो मिडिल वाले को लॉन्ग प्रेस करना है। अच्छा समझ गया। हाँ इसमें मैक्सिमम है ये फ्रिज में मिनिमम कूलिंग मेंटेन करता है, इसका नाम है वेकेशन मोड। अच्छा हाँ समझ गया। कुछ हॉलीडे अगर बाहर गए कहीं घूमने गए तो ये लगा कर बराबर चले जाना। ये वाला पावर कूल है एक्स्ट्रा कूलिंग के लिए। अच्छा अगर फ्रिज में आपको एक्स्ट्रा कूलिंग देना है तो फ्रिज वाले को लॉन्ग प्रेस करिए आप एक्स्ट्रा कूलिंग के लिए। ओके इसका नाम है पावर कूल। अच्छा पावर कूलिंग। ये पावर फ्रिज है ऊपर वाले में थोड़ा एक्स्ट्रा आइस देना है। अच्छा पावर कूल ये आपको एक्टिवेट लॉन्ग प्रेस करने से होते कैंसिल भी लॉन्ग प्रेस करने से होते। अगर आपको अप एंड डाउन सेटिंग चाहिए तो मैक्स मिनिमम। ओके स्टेबलाइजर इनबिल्ट रहता इसके अंदर जरूरत नहीं है आपको। हाँ हाँ ये वाटर का है
वाटर लगा देना क्यूब्स आए थे क्यूब्स के लिए। हाँ यूज़ करके तो रखिए तो ऊपर लेकर। हाँ और साइड में थोड़ा बॉडी गर्म रहनी है। हाँ ये सही। हाँ इसलिए सर पुराने फ्रिजों में पीछे हाँ एक जाली आती है इधर साइड है इसके। ओके ये रहा हमारा फ्रिज और इसके बारे में आपको पॉइंट वाइज समझाऊंगा ताकि आपको क्या है आसानी हो जाएगी ये फ्रिज कैसा है। ठीक है तो देखो गाइज ये जो फ्रिज है एक मिडिल वेरिएंट वाला फ्रिज है, ना तो लोअर प्राइस वाला है ना तो हायर प्राइस वाला है। और ये जो फ्रिज का जो साइज़ है ये एक जनरली बोलूँ ना ताकि मतलब एक वाइफ हस्बैंड और तीन बच्चे वगैरह है तो उनके लिए ये बेस्ट है फ्रिज। क्योंकि मेरे पास एक और एक फ्रिज है जो कि बड़ा साइज़ बड़ा वॉल्यूम में है क्योंकि यार हमारे जॉइंट फैमिली है तो हमको थोड़ा ज़्यादा उसमें मटेरियल रखने की ज़रूरत पड़ती तो इसीलिए हम लोग बड़ा फ्रिज लिए। तो वो फ्रिज क्या है आप लाइक मोर देन 5 मेंबर है आपके फैमिली में तो बड़ा फ्रिज आपको काम आएगा। लेकिन कुछ लोगों का होता ना यार कि भाई मुझे इतना पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है बड़ा फ्रिज नहीं नॉर्मल वाला लेना है। तो मेरे हिसाब से तो गाइस आप ये जो मिडिल वेरिएंट का जो फ्रिज है ना वही परचेस करो क्योंकि इससे छोटा वाला जो फ्रिज है वो मतलब साइज़ में बहुत छोटा है जिसमें आपको जो भी मटेरियल है रखने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बोले तो एक्स्ट्रा वारंटी करा। हाँ एक्स्ट्रा वारंटी एक ईयर वन ईयर की वारंटी तो है इस पे। हाँ ये एक्स्ट्रा हो जाती है इसको। ये एक्स्ट्रा कितना और एक 1270 वन ईयर है। अच्छा 240 20 टू ईयर्स है 3560 थ्री ईयर्स 4700 फोर ईयर्स। हाँ तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो हमारा इस फ्रिज के बारे में। देखो गाइस ये जो फ्रिज है ऑलरेडी मैंने सेम कंपनी का इसका जो बड़ा साइज़ में है जो बड़ा वॉल्यूम वाला है उसको परचेस करा हूँ और उसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है। आपको उसका वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप लोग देख लो। और ये जो मुझे फ्रिज मिला है ना इसका जो प्राइस है ये मुझे 34,000 में मिला। अभी एट प्रेजेंट सैमसंग की वेबसाइट पर 38,000 है। मैं एक बार्गेन करा था थोड़ा बहुत और क्या है मालूम कुछ ऑफर्स वगैरह से मुझे 34,000 में मिला। आपके सिटी या स्टेट में कुछ इसका प्राइस कम ज़्यादा हो सकता है। बस आज का वीडियो बस इतना ही है गाइस। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो गाइस भूलना मत लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो चलता हूँ बाय बाय।